सो हेलो एवरीवन, सोशल साइंस का एग्जाम पेपर देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। एक लंबे समय के बाद सोशल साइंस का एग्जाम पेपर मेरे पास आ गया है और इस वीडियो में हम आप सभी को 1 से लेकर 80 तक के पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन बताएंगे, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सो हे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन एक हमारा कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले सभी फ्रांसीसी कहे जाते थे। याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले तमाम फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोन। उसके बाद में क्वेश्चन दो हमारा कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट की बात की जाए या जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1919 ईस्वी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया एक काला कानून था, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य वारंट कर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उस पर मुकदमा भी चलाया जाता था। यह एक काला कानून था जिसे पूरे भारतवर्ष में काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है जी कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि जर्मनी के एकीकरण में यदि बिस्मार्क ना होता तो शायद जर्मनी का एकीकरण इतना जल्दी ना हो पाता। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मार्क। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए थे। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है ये सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल 7 को देख लीजिए कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो यहां पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सन 1861 ईस्वी की बात है जब भारत में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। कहां पे? तो मुंबई में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ये सन 1920 में हुआ था, है ना जी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। उसके बाद में कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो याद रखिएगा कि हिंद चीन में युद्ध का जो अंतिम दौर चल रहा था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। क्या था? निक्सन था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्सन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री पे नियुक्त कर दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए कि रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था। तो इससे याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन बिस्मार्क ने किया था, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला सवाल कहता है नई आर्थिक नीति जिसे NEP कहा जाता है यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है कि इंडियन स्टेट यूटी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो भारत में सन 1928 ईस्वी में आया था, इसी का अन्य नाम है इंडियन स्टेट यूटी कमीशन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमन कमीशन। उसके बाद में कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया पुस्तक नामक लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। उसके बाद में कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। तो याद रखिएगा, गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किया गया था। उसके बाद में कहता है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। हालांकि ये 12th का क्वेश्चन है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल हो सके तो आ सकता है। क्वेश्चन 16 याद रखिएगा, अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है।
उसके बाद में बंगाल का विभाजन कब वापस कर लिया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा सन 1905 ईस्वी की बात है जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उन्हीं के द्वारा सन 1911 ईस्वी की बात है जब बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, वापस कर लिया गया। क्वेश्चन का सही जवाब 1911 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि रूस में कब दासत्व प्रथा समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। सन 1861 ईस्वी की बात है जब रूस में दासत्व प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात है जब 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा कि हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ पे बनाई गई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी वियतनाम की बात है जहाँ हो ची मिन्ह की सरकार बनाई गई थी। उसके बाद में कहता है कि वार एंड पीस किसने लिखा था? दोस्तों याद रखिएगा, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। क्या जी? टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दोस्तों सन 1991 ईस्वी की बात है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1991 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा कि पटना को हमें अजीमाबाद जो नाम है वो अजीमुशान ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अजीमुशान ने। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अजात शत्रु ने किया था। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। और भारत में आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। उसके बाद में कहता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद देखिएगा, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद में कहता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह खासियत होता है जिसमें उत्पादन के तमाम साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का अंग है गैस और बिजली का उत्पादन। उसके बाद में कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो सही याद रखिएगा, सन 1971 ईस्वी की बात है जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करेंगे तो टका हो जाएगा। क्या होगा जी? टका हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? याद रखिएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो संबंध है वो बांग्लादेश से है। कहाँ से है दोस्तों? बांग्लादेश से है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण का लेन देन करती है? तो क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पकालीन ऋण देन करती है। उसके बाद में एक और सवाल पूछा जाता है कि भूमि विकास बैंक कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अल्पकालीन ऋण, यानी कम समय के लिए ऋण प्रदान करती है। अगला सवाल देखिए कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, सन 1989 ईस्वी की बात है जब जवाहर रोजगार योजना को लागू कर दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो दोस्तों मनरेगा की बात करेंगे तो एक वर्ष में लगभग 100 दिन रोजगार देने की गारंटी ली जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज आयोग बनाए गए हैं? तो यहाँ भी क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, यानी 582 एक ऐसे राज हैं जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज आयोग बनाए गए हैं, 582। उसके बाद में कहता है प्रोफेसर पीसी महान लोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर पीसी महान लोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 काफ़ी ही सिंपल है और काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? देखिए, उपभोग व्यय और बचत का जो योग है वो फिर से आय कहलाता है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकम यानी आय। उसके बाद में कहता है कौन सा आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो यहाँ पे आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे तो क्वेश्चन 37 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी, व्यय उत्पादन और आय। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, 10वीं कक्षा के जितने भी एग्जाम पेपर में यदि ऑप्शन डी में दिया जाता है इनमें से सभी, तो 99% उसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होता है।
उसके बाद ये कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1868 ईस्वी की बात है जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अनिवार्य सदस्यता जो है ये सहकारिता का मूलभूत तत्व है ही नहीं है। उसके बाद में कहता है कि कौन सा गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो यहाँ पे 40 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य। उसके बाद में 141 को देखिए कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो यहाँ पे 41 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान का 74वां संशोधन नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद में कहता है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में एक नगर निगम में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो वार्डों की संख्या है वो कितनी हो जाएगा जी, तो कम से कम उसमें 75 वार्डों की वार्ड सदस्यों की संख्या हो सकती है। अगला सवाल कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चल रहे पर्यावरण बचाव आंदोलन को और बढ़ावा दिया और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो हम कह सकते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। उसके बाद में कहता है कि नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र की वहाँ पर स्थापना नहीं हुई है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ही नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे 44 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था। बहुत सारे बुक में इसका आंसर भीमराव अंबेडकर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी जिसे BSP कहा जाता है, जो मायावती का पार्टी अभी लगभग चल रहा है यूपी में, BSP बहुजन समाज पार्टी, इसकी जो स्थापना है सबसे पहले कांशी राम ने किया था। कितने दोस्तों? कांशी राम ने। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि दल बदल कानून लागू होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब कोई भी विधायक या सांसद अपनी दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता को ग्रहण करता है, उसे दल बदल कानून कहते हैं। दल बदल कानून का जो विरोध होता है, लागू जो होता है, वो सांसद या विधायक सभी पे लागू होता है। क्वेश्चन का सही जवाब MP और MLA दोनों हो जाएगा। उसके बाद में कहता है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। आसान शब्द में कहे तो झारखंड और बिहार का विभाजन कब हो गया था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था। क्वेश्चन 47 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, इकहरी शासन व्यवस्था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसे याद कर लीजिएगा कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद में कहता है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की जो संख्या होती है वो 543 होती है। कितने होते हैं जी? 543। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देख लीजिए कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, यानी सबसे पहले इस बहुत पहले की बात है जब बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब से सी हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद में कहता है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी, यानी वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो क्वेश्चन 51 का सही जवाब से सी हो जाएगा, सन 1960 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे फिर से एक 12th का हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है कि इंडिका के लेखक कौन है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल 100% देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा कि इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। कौन है जी? मेगास्थनीज है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे 53 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे बड़ा लोकतंत्र विद्यमान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत में ही मौजूद है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक है। तो यहाँ पे 54 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार एक ऐसा जगह है जहाँ के नागरिक है आंग सान सू की। इसके बाद में कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे जी। जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को पहले से आता होगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर लिखते चलिएगा। देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो अलगाववाद है ना जी, अलगाववाद। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में 56 को देखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यह एक चिड़ियाघर का नाम है जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है।
उसके बाद में कहता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है ये सितंबर 1987 ईस्वी को अपनाई गई थी। उसके बाद में कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देख लीजिए, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लेटराइट मृदा अर्थात लेटराइट मिट्टी जिसे हम लोग काली मिट्टी कहते हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है ना के बराबर होती है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 60 को देख लीजिए, क्वेश्चन 60 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल शोधक क्षेत्र कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 60 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो क्षेत्र है वो डिगबोई है, कौन सा जी, डिगबोई है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सा रोपण फसल है, तो यहाँ पे रोपण फसलों की बात करेंगे, यानी वो कौन ऐसा फसल है जो रोपा जाता है। देखिए चाय भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है और गन्ना भी रोपण फसल है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 62 को देख लीजिए कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा सन 1991 ईस्वी की बात है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और उसी समय पूरे भारतवर्ष में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब 1991 ईस्वी में हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है कांवर झील कहाँ स्थित है, दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन 63 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, कहाँ जी, बेगूसराय जिला में स्थित है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल 64 कहता है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सा अकार्बनिक खनिज है, आप सभी को मालूम होगा खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं धात्विक खनिज तो दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज, यानी वैसे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नगण्य होती है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे अभ्रक हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भी है और कार्बनिक खनिज भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला सवाल देख लीजिए कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 67 कहता है कि कौन कोयला का घटिया किस्म है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। कोयला के चार प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बेटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा, पीट। तो उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 68 को देख लीजिए कि भारत में चाय की कृषि सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे पहले असम में शुरू की गई थी। उसके बाद में कहता है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, दोस्तों हम अभी भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि खनिज के दो प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज, दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज। देखिए पाइराइट में धातु पाया जाता है इसलिए धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धात्विक खनिज। उसके बाद में कहता है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन भी 100% देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो तारापुर में स्थित है, कहाँ जी, तारापुर में, और तारापुर किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद में कहता है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कोडरमा का जो संबंध है ये अभ्रक खनिज से है, क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जी, अभ्रक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 को देख लीजिए, ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 72 कहता है किस देश ने ओपेक OPEC की सदस्यता को त्याग कर दी है, तो याद रखिएगा ओपेक की सदस्यता को त्याग करने वाला जो देश है वो कतर है, कौन सा जी, कतर है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कतर। उसके बाद में कहता है कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, आसान शब्द में कहे तो जूट का उत्पादन करने में भारत कौन ऐसा देश है जो सबसे आगे है, तो याद रखिएगा कि हमारा ही देश भारत एक ऐसा देश है जो जूट का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी है, सबसे आगा है। उसके बाद में कहता है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है ना जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आसवन बांध जो है वो नील नदी से संबंधित है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नील नदी।
उसके बाद में कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 100% मैं लिख गारंटी देकर कहता हूँ कि एक ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा जिनमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव जनित आपदा है। तो याद रखिएगा वैसी आपदा जो प्रकृति कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा हो जाएंगे। और वैसी आपदा जो मनुष्य के कारणों से यानी मानवीय कारणों से घटित होती है जिसमें जान माल के बाद क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं, उसे मानवजनित आपदा कहते हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 75 का बिल्कुल सही जवाब सेंटी हो जाएगा, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है। उसके बाद में कहता है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस पर प्रभावित हो गया था। आप सभी को मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष में 1934 ईस्वी एक ऐसा समय है जब पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भयंकर मात्रा में भूकंप आया था। उसके बाद में अगला सवाल किस्म 77 को देख लीजिए कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है। दोस्तों बाढ़ के समय उच्च भूमि वाले स्थान सुरक्षित माने जाते हैं, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 78 नंबर सवाल कहता है कि भूस्खलन से अभिप्राय है। दोस्तों भूस्खलन का मतलब होता है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना और चट्टानों का खिसकना, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है आकाशीय प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आकाशीय प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन और स्थानीय लोग, ये सभी है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, याद रखिएगा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति आयताकार होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।